बर्दाश्त ग्रुप एक अनोखा व्हाट्सएप ग्रुप टेक्नोलॉजी के इस मौजूदा दौर में समाजियात के लिए मशाल राह। ऐसे दौर में जबकि लोग एक दूसरे को लान तान में मसरूफ हैं, कहीं पे सियासी नुक्ताचीनी तो कहीं मजहब के नाम पर गाली गलौज तो कहीं बेफायदा कामों में मुलविस होना, बर्दाश्त ग्रुप एक ऐसा ग्रुप कायम किया गया है जो कि इन तमाम खुराफात से बालातर है। इस ग्रुप को 2013 में मोहम्मद अली जुबैदी ने अपने खानदान और अकरबा के लिए शुरू किया था, जिसका अहम मकसद उर्दू की बका और आपसी खैर सगाली है। 120 मेंबरान पर मुश्तमिल इस ग्रुप में कई शोबेजात से ताल्लुक रखने वाले अपनी अपनी मालूमात ग्रुप में शेयर करते हैं। सबसे अहम और नोट करने वाली बात यह है कि इस ग्रुप में 5 एक्टिव मेंबर्स मौजूद हैं, जो कि ग्रुप में पोस्ट की जाने वाली हर वीडियो की जांच करते हैं और इत्मीनान हासिल होने पर ही ग्रुप में बरकरार रहने देते हैं। मैं बर्दाश्त ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट उमर सालम सग्गाफ आपको हमारे ग्रुप बर्दाश्त से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। 2013 में ये हमारा ग्रुप क्रिएट हुआ। हमारे प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद अली जुबैदी साहब जो सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए ग्रुप बनाए थे, साथ साथ उनके अपने बचपन के साथी जो उनके साथ तालीम वो क्लासमेट्स वगैरह थे, इनके चंद एक 15-20 होंगे, बाकी सब इनके ख़ानदान के मेम्बर्स हैं। हमारे ग्रुप का कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है या फिर हमारे किसी लीडर की कोई बात कहने का या उसकी बेइज्जती करने का या किसी भी मुल्क के बारे में कहने का हम ये इसमें हमारे दीन के बारे में या दीन के कोई बारे में कोई बहस करने का इन तमाम से हमने पाबंदी रखी हुई है ग्रुप में। तो ग्रुप में हर किस्म के मालूमात मेडिकल के तो जितने भी मालूमात मिलने थे हमारे डॉक्टर फजल अहमद साहब से मिलते हैं, उनके भाई इफ्तिखार से मिलते हैं और काफ़ी कंट्रोल करते हैं इसके ग्रुप के। तकरीबन एक 5 ऐसे मेंबर हैं हमारे पास जो क्लिप जो भी क्लिपिंग करते हैं उसकी फौरी जांच होती है। जो हमारे हैदराबाद की मशहूर तारीखी इमारत है चार मीनार को लेकर बर्दाश्त ग्रुप का एक आइकन बनाया गया। ग्रुप के सिंबल के तौर पर चार मीनार का इंतखाब क्यों किया गया? ये इंतखाब क्योंकि हमारा ताल्लुक दखन से है और ये बुनियादी यहीं की हमारी। क्या चार मीनार बर्दाश्त की निशानी है? खुद हमारा है। मेरे साथ मेरे बाजू में जी आप याहिया नासर कुरैशी साहब को देख रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे ग्रुप की उर्दू को संवारने में एक उर्दू के बहुत बड़े उस्ताद समझता हूँ मैं इनको, और हमारे ग्रुप का हर मेंबर इनको सुनने और इनसे इनकी तहरीर को पढ़ने का मुश्ताक रहता हमेशा। उर्दू की बका के लिए जो हमारा ग्रुप काम कर रहा है इनका बहुत बड़ा पार्ट है इसमें। मुझे अल्लाह के फजल करम से बड़े जय्यद अहलुल्ला और जय्यद उलमा हैदराबाद दकन के उनकी सोबतों में बैठा और मुतालिया हज़रत इमाम गज़ाली का और हज़रत इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का और ऐसे कदीम किताबें और पढ़ने का शौक़ था और बाज़ाब्ता मैंने बुज़ुर्गों के साथ दो जानों तय किया है उनके पास। उसका असर है कि कुछ उर्दू मैंने सीखा है। क्या किया जा सकता है कि उर्दू ताक़े अमल ज़िंदा रहे? ये सबसे पहले हम अपने बच्चों को उर्दू सिखाएं ताकि वो हमारी एक बुनियाद बन जाए और इस तरीके से हमारी नस्ल दर नस्ल जो है उर्दू सीख सके। जैसे हमारे बच्चे हैं मैं खुद सिखा रहा हूँ क्योंकि वो लोग स्कूल इंग्लिश मीडियम में हैं, लेकिन मैं अपने घर की तालीम में बोल चाल में और तहरीर में मैं खुद उनको गाइड कर रहा हूँ, उनको सिखा रहा हूँ। बहुत सारा लिटरेचर हमारा इस्लामी लिटरेचर, हमारा समाजी लिटरेचर, हमारे अखलाक का लिटरेचर सारा जो है ना उर्दू ज़ुबान के ऊपर यानी बुनियाद है उसकी, और जो ये नहीं सीखा इससे सारे अखलाकियात से जो है ना वाकिफ़ है वो। जी आपने जो है एक बेहतरीन ग्रुप तश्कील दिए। इस ग्रुप से ये फ़ायदा हुआ कि सारे लोग एक ही जगह मिल गए तो मुझे बड़ी हैरत हुई, अच्छा भी दिखा कि बचपन के सारे लोग जब मिल गए तो फिर से पुरानी यादें आने लगी, पुराना बचपन लौट आने लगा। बचपन के साथ हम लोग मिलते रहे तो मेरी दूसरे मसरूफियात जो भी मेडिकल की रहती थी उसके बाद में मेरे लिए एक अच्छा एंटरटेनमेंट यही रहा कि जब भी टाइम मिला बर्दाश्त ग्रुप में आ जाना तो इसमें हमारे को सारी चीज़ें मिल जाती थी। और इसके साथ साथ ख़ास बात यह है कि इस ग्रुप से न सिर्फ हम अपने कल्चरल को पेश करते हैं बल्कि अपनी लैंग्वेज ख़ास तौर से उर्दू का भी बहुत अच्छा फ़र्क होता है। अब मैं कुछ सोच कोशिश करता हूँ जो मेडिकल नॉलेज आजकल ज़रूरी समझता हूँ जिनको बताना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा भी तिब्बी मालूमात फराम करने की जो मेरी नॉलेज है मैं सोचता हूँ कि उसको शेयर करूँ सबके सामने। ग्रुप में सब लोग अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं
तो सब अपने अपने नॉलेज जब देते हैं तो सबके शेयरिंग हो जाती है, तो एक गुलदस्ता बन जाता है। बर्दाश्त ग्रुप की इब्तदा की है, इससे हम जो बिखरे हुए थे वो आपस में एक दूसरे से जुड़ गए। कुछ हादसा हमारे साथ गुजर चुका था जिससे सिर्फ ये होता था कि हम ड्यूटी करते और घर पर आके सोते, खाना पकाते, फिर ड्यूटी की फिक्र रहती थी। लेकिन जब से बर्दाश्त ग्रुप में शरीक हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, हम भी इन लोग के साथ इंजॉय करना शुरू किए हैं। ये हमारे सदर साहब की क्या तारीफ़ करूँ, ये एक पोशीदा ख़जाना है जिसमें हर वो चीज़ वक्त पर मिल जाती है। Fading sweet memories. Irfan, the designer shop. Inside Diwan Duri, Patrakatti, Hyderabad. Kakaji Wedding Mall Women's Exclusive. Bridal Khada Dupatta. Designer Tail Cuts. Gowns. Complete ethnic wear. Kakaji Wedding Mall Women's Exclusive, Moti Gali, Chaw Mohalla Palace Road, Hyderabad.